हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बेसन की कड्डी बनाना सिखाएंगे। तो बेसन की कड्डी की रेसिपी लेके आए हैं यहाँ पे। तो इसके लिए क्या क्या सामग्री यूज में लेंगे हम, तो सबसे पहले लगभग 50 ग्राम में बेसन ले लेता हूँ। लगभग एक टिफिन है, मैंने टिफिन के आकार का बर्तन है, तो इसमें छाछ ले ली है क्योंकि कड्डी के लिए छाछ जरूरी होती है। ये थोड़े से हरे प्याज लिए हैं, हरे प्याज या फिर गोल वाले प्याज भी ले सकते हो जिसे सूखे प्याज कहते हैं। और ये थोड़ी सी हरी मेथी ले ली है मैंने, हरी मेथी मार्केट में आराम से मिल जाएगी। इसको पानी के अंदर मैंने पहले साफ किया है, उसके बाद में इनको तोड़ लिया है, काट लिया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मसालों की। लगभग 2 चम्मच है धनिया पाउडर लिया है मैंने, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मिर्ची पाउडर लिया है, आधा चम्मच है ये हल्दी पाउडर लिया है, ये नमक लिया है स्वाद अनुसार, ये 2 पोथी मैंने लहसुन की ली ले लिया है, इसको छील लेंगे। तो ये सामग्री है, मैंने सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे ले लिया है। अब इसका विधि है, मैं इसको बनाते कैसे हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले इसका प्रोसेस जान लेते हैं, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप इसको छोक लगाएंगे। तो साथियों, जो छाछ थी, छाछ के अंदर है ये जो बेसन था वो डाल देंगे, और आप बड़ा बर्तन का यूज कर सकते हो उसमें। तो ये मैं बर्तन ले रहा हूँ जिसमें हम कढ़ी बनाएंगे। तो लगभग 2 चम्मच है मैंने यहाँ पे तेल की ले लिया है, और इसको गर्म करेंगे। तेल गर्म होने के बाद में इसमें जीरा डाल देंगे, और इसको पकने का वेट करेंगे थोड़ा, जब तक ये भूरा भूरा ना हो जाए इसको पकाएंगे। साथियों, जो हमारा मसाला था, जो मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक, उसका हमने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है, और उसको पानी के अंदर मिक्स कर दिया है। अब जीरा गर्म होने के बाद में ये पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है मसाले का। अब इस मसाले को लगभग 4 से 5 मिनट तक पकाना पड़ेगा, तो हम इसको पका लेंगे, और टेम्परेचर थोड़ा कम कर देंगे। टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे तो ये गल जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा लो कर देते हैं। और ये छाछ है, छाछ के साथ में जो हमारा बेसन था उसको मिक्स कर लेंगे हम इस प्रकार से, क्योंकि बेसन इकट्ठा हो जाता है तो उसको हाथ से अलग कर लेते हैं ताकि ये पूरी छाछ में घुल जाए, तो इसको घोल लेंगे बड़े तरीके से। अब ये मसाला था, इसमें हम हरे प्याज डाल देंगे, अब मेथी डाल देंगे, मिक्स कर देंगे, लगातार मिक्स किया जा रहा है, इसको टेम्परेचर कम ही रखेंगे। अब इसमें वो जो छाछ है, वो जो बेसन था जो हमने मिक्स किया था, वो इसमें डाल देंगे। हमने इसमें डाल दिया है छाछ और बेसन, और टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे। अब तो इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। लगभग 8 से 10 मिनट तक इसको गर्म करना पड़ेगा, तभी तो हमारी जो कढ़ी है वो बनकर तैयार हो पाएगी। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। साथियों, लगातार इस चम्मच से इसको घुमाते रहेंगे, अदरवाइज ये बढ़िया कढ़ी नहीं बनेगी। तो लगातार इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहेगा। कढ़ी है हमारी उफन रही है, जैसे दूध उफनता है वैसे ये भी उफन रहेगी, क्योंकि इसमें छाछ है। लगातार ऐसे ही इसको चम्मच से मिक्स करेंगे, क्योंकि जो बेसन है वो इसके साथ मिक्स हो रहा है, तभी अब कलर भी थोड़ा चेंज होने लगा है। तो अब 10 मिनट के बाद में हमारी कढ़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है, और ये खाने लायक हो गई है। तो साथियों, ये रेसिपी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, जो आपकी आपको रेसिपी चाहिए उसके बारे में बताइए, ताकि अगली वीडियो में प्रयास कर सके ऐसी रेसिपी बनाने की। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए।
ताकि हर प्रकार की वीडियो आपको मिल सके। कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद साथियों।